नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस एक क्लास के अंदर और ये क्लास किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट से नहीं है जो लेवल फर्स्ट के आंसर की आई है उसके अंदर Uh, अभी जो है फाइनल आंसर की है इससे पहले दो गुणा की लिस्ट जारी हो चुकी है उसमें जिन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है उनके रोल नंबर दिए गए थे बट फाइनल आंसर की नहीं आई थी अभी जो है आज फाइनल आंसर की आई है इसके बाद स्कोर कार्ड आएगा तो इस फाइनल आंसर की के अंदर जो पांच प्रश्न डिलीट हुए थे उनके आगे तो डिलीटेड लिखा हुआ है लेकिन तीन उत्तर चेंज हुए हैं तो जो डिलीटेड क्वेश्चन थे उनके बारे में तो जिस दिन हमारा जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसके अंदर बता पता चल गया था कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं लेकिन आज जो है तीन आंसर जो बदले हैं तीन क्वेश्चंस के तो वो आज वाली लिस्ट के अंदर आज जो फाइनल आंसर की है इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से जो उत्तर बदले हैं यानी पांच क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और तीन के उत्तर बदले हैं मतलब टोटल आठ क्वेश्चन के अंदर हेर हुई है और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं जो चेंज हुए हैं ये वो इनमें एक दो को छोड़कर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगाई गई जिन क्वेश्चन पे आपत्ति लगाई गई थी उनको बोर्ड ने ना डिलीट किया है और ना ही उत्तर चेंज किए हैं और ये जो है आज आई है तो इस पर कल किसी प्रकार की आ, कोई केस वग़ैरह नहीं डाल सकते क्योंकि कल से जो है कोर्ट की छुट्टियां हो जाएंगी और इसके बाद ना ही किसी प्रकार के उत्तर का बदलाव होगा ना डिलीट होगा ना चेंज होगा कुछ नहीं है ये फाइनल है बोर्ड ने इसको तीन बार क्रॉस चेकिंग करके फिर जारी किया है तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमें हमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है ये अब हमें झेलना ही पड़ेगा तो ये जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो फिफ्टी फाइव नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा आपको इसका जो उत्तर है वो डिलीट हो गया है ये डिलीट है अब जिसने नहीं किया या जिसने गलत किया उसको फ़ायदा हुआ और जिसने किया था और सही किया था उसको नुकसान हुआ है इसके बाद में नाइन्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन और ये एक सौ तेरह नंबर उसके बाद एक सौ उनचास पचास ये पांच क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जिनके बारे में पहले ही बोर्ड ने बता दिया था और ये जो डिलीटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ ये जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो पूछा गया था कि इनको क्या कहा जाता है शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होते हैं इनको क्या कहा जाता है तो इसका जो है ये क्वेश्चन ही डिलीट हो गया है जबकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट बच्चों का सही था ठीक है उसके बाद में इंग्लिश में डोंट बीट अराउंड द बश इसका ये जो है idiom है इसका मतलब पूछा गया था कि इसको इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है तो ये भी ऑलमोस्ट सभी का सही था इसमें दो जो है ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था तो इसका उत्तर बदलना चाहिए था ना कि डिलीट हमारे हिसाब से लेकिन बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया उसके बाद में साइंस का ये क्वेश्चन है रेडोक्स अनुमापन इसकी जो पूछा गया था इसका ए जो उत्तर है वो सही था लेकिन सॉरी ए नहीं इसके अंदर जो सी को, जो है आंसर इसका सही माना गया था लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है उसके बाद में जो ये एक सौ पचास नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय वाला ये भी ऑलमोस्ट सभी का सही था लेकिन ये भी डिलीट हो गया और ये जो 126 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है उत्तर बदल चुका है इसका उत्तर बदला है बोर्ड ने इसको पहले जो हमारा प्रोविजनल लिस्ट आई है उस टाइम इसको नहीं बताया गया था और ये जो है धार्मिक स्थान इसका शासन व्यवस्था पहले शायद आंसर की में आया था उत्तर लेकिन अभी इसका डी आया है धार्मिक स्थान ये भी बदल गया और इसमें पाँच टीचर जो टीचर वाला था ना अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक के स्वीकृत पद होंगे तो इसके अंदर डी जो है वो सही है पाँच माना गया है लेकिन इसमें बहुत सारे जो है अलग, अलग विद्यार्थियों ने इस पर आपत्तियाँ लगाई थी ये प्रश्न है इसका उत्तर बदल दिया है गवर्नमेंट ने तो ये इतने सारे मतलब बोर्ड ने उत्तर बदल दिया है तो ये इतने सारे मतलब तीन क्वेश्चन के उत्तर बदले हैं और पाँच क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो अभी आठ क्वेश्चन जो है इधर उधर हो चुके हैं अब जिनके जितने मार्क्स थे ना वो दो क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे अभी जितने टोटल बन रहे थे ना उनके दो क्वेश्चन के हिसाब से और नीचे आ जाएंगे तो अब देखो आ, फाइनल स्कोर कार्ड के अंदर आपका क्या स्कोर बन के आता है लेकिन स्थिति जो है कुछ क्लियर हुई है क्योंकि जो बच्चे जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया और जो कह रहे थे हमारे मार्क्स अच्छे थे लेकिन फिर भी नाम नहीं आया तो वो देख सकते हैं कि नाम क्यों नहीं आया क्योंकि उत्तर भी बदले हैं उसका नुकसान भी हुआ है और डिलीट हुए हैं उसका तो हुआ ही था पहले ही ठीक है उस दिन प्रोविजनल लिस्ट आई थी उस दिन पता चल गया था कि कितने उत्तर डिलीट हुए और उनका नुकसान किससे हुआ है लेकिन इसके साथ उत्तर चेंज होने का नुकसान भी हुआ है बच्चों को तो इसीलिए उनका नाम नहीं आ पाया और अब जो है ये फाइनलाइज के बाद कुछ चेंज नहीं होगा अब आपका एस एस ओ आई डी पे जो है स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है फाइनल कट ऑफ है उसके बाद आपका आ, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये प्रोसेस अब कंप्लीट होगी अब ना तो ये चेंज होंगे और ना ही इनके कुछ आ, किसी प्रकार का इन पे केस डाल सकते हैं या इस भर्ती को अटका सकते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि कौन से उत्तर बदले हैं कौन से क्योंकि जो अभी आंसर की आई है फाइनल उसके अंदर जो है इतना ध्यान से नहीं देख सकते कि कौन से उत्तर बदले हैं क्योंकि पहले वाले आंसर की ढूंढेंगे फिर इसको उसके साथ मिलाएँगे तो बहुत टाइम लगता है तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी बता दिए हैं आप अपना जो पेपर है उसके अंदर देख सकते हैं आप क्या लगा के आए थे ओ एम आर शीट भी है तो उसके अंदर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं इस पूरी वीडियो में अब आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दो गुणा में और जो लीड है वो कितने नंबर की है आपके और आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद करें या ना करें तो वो आप सब अपने हिसाब से देख सकते हैं वेटेज़ का बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो आ चुका है वेटेज कितना है हर एक सब्जेक्ट का क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन डिलीट हुए हैं अलग अलग वेटेज बना है जो नेगेटिव मार्किंग है उसका भी और जो आपके सही क्वेश्चन है उनका भी ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं और बाकी अगर नहीं करना चाहे तो परसों बुधवार को आपका स्कोर कार्ड आपकी एस एस पे आ जाएगा एक दिन और वेट कर सकते हैं तो ये थी छोटी सी वीडियो इस जानकारी के लिए क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न है इस आंसर की को देखने के बाद में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है जिसका फाइनल सिलेक्शन होना है वो हो जाएगा और जिसका नहीं होना वो आगे की तैयारी करें थैंक यू